इस साल की शुरुआत में कंगना रनावत मेट्रो में नजर आएंगी, तो दूसरी ओर गरम मसाला गर्ल नीतू चंद्रा ने भी ट्रैफिक सिग्नल में एक्टिंग की है। इसके अलावा मिनीषा लांबा नजर आएंगी चंद्रमुखी में, तो सोहा अली खान नजर आएंगी फिल्म 10 कहानियां में। यानी हम कह सकते हैं कि ये चेहरे भी खुद को एक कामयाब एक्टर बनाने की पूरी जद्दोजहद में हैं। ये तो बात थी ये 2006 के नए चेहरों की, लेकिन अपनी इमेज को बरकरार रखने बॉलीवुड के कई सितारे भी इस साल अलग अलग अंदाज में अलग अलग फिल्मों में नजर आएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इस साल भी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के बीच काफी कंपटीशन है। जैसे कि शाहरुख खान नजर आएंगे हमेशा की तरह बड़े बैनर वाली बड़ी फिल्मों में, लेकिन अमिताभ बच्चन के खाते में इस साल सबसे ज्यादा फिल्में आई हैं। वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे एक्टर्स पिछले कुछ सालों में मिली अपनी सफलता को कायम रखने की पूरी कोशिश में हैं। लेकिन इस साल आमिर खान की शायद एक भी फिल्म रिलीज नहीं होगी, क्योंकि उनकी होम प्रोडक्शन तारे जमीन पर आमिर और फिल्म के डायरेक्टर अमोल गुप्ते के तनाव के बीच फंस गई है। पिछले साल क्रिश में सुपर हीरो बनने के बाद ऋतिक रोशन अब आशुतोष गोवारिकर की जोधा अकबर में नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा भी इस भीड़ में खुद का अस्तित्व बनाए रखने की पूरी कोशिश में जुट चुकी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस साल इन स्टार्स के ये नए अंदाज और न्यू कॉमर्स के ये नए पैतरे इतनी कंपटीशन के बीच भी कौन है जो इस साल स्टार ऑफ द ईयर कहलाएगा, और किस में होगा दम जो इस स्टार रेस में अपनी जीत दर्ज करवाएगा।